प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयि धी वेदस्यमवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ओमाप्यायन्तु ममवङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्यां मां ब्रह्मनिराकरो अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदि मन्यसे सुवेदेति दहर्मेवापि नूनं त्वं वेत्तब्रह्मणोरूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेश्वथ नो मीमागंस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद
नो न वेदेति वेद च नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च नो न वेदेति वेद च कथम इति शृणुतु नाहं मन्ये सुवेद इति न एव अहं मन्ये सुवेद ब्रह्म इति न एव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्म इति उक्ते आह नो न वेदेति इति वेद च इति च शब्दात् न वेद च ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये सुवेदेति इति नो न वेदेति च वेद च इति यदि न मन्यसे सुवेदे इतम् इति कथं मन्यसे वेद चेति अथ मन्यसे वेद एव इति कथं न मन्ये सुवेद इति एकं वस्तु येन ज्ञायते येनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम् संशय विपर्यो वर्जित्वा न च ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयम् विपरीयत्वेन वा इति नियन्तुं शक्यम् संशय विपर्ययतौ हि सर्वत्र अनर्थकारित्वेन एव प्रसिद्धः एवम् आचार्येण विचाल्यमानो अपि शिष्यः न विचचाल अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादति इति आचार्य उक्तम् आगम संप्रदाय बलात् उपपत्तिः अनुभव बलाच्च जगर्च ब्रह्मविद्यां दृढनिश्चयतां दर्शयन् आत्मनः कथम् इति उच्यते यो यः कश्चित् न अस्माकं स ब्रह्मचारिणां मध्ये तत् मद् उक्तम् वचनं तत्त्वो वेद सः तद्ब्रह्म तद्वेद किं पुनः तद्वचनम् इति आह नो न वेदेति वेद च इति यदेव अन्यत्तदेव विदितादथो अविदितादथि इति उक्तं वस्तु अनुमान अनुभवाभ्यां संयोज्य निश्चितं वाक्यान्तरेण नो न वेदेति वेद च इति अवोचात् आचार्य बुद्धि संवादार्थ मंद बुद्धि ग्रहण व्यपहार्थं च तथा च गर्जितं उपपन्नं भवति यो न तद्वेद यो न तद्वेद तद्वेद इति पहले मंत्र में पूरी भूमिका शिष्य की और आचार्य की आपके सामने आ गई। जो बार बार मनन करने के लिए आपको दिया गया इतने दिनों में वो एक था, वह प्रश्न आपके दिमाग में गूंजना चाहिए और उस प्रश्न का उत्तर बिना देखे हुए आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। नहीं आता है तो आप प्रश्न पूछिए। घटना सिर्फ इतनी थी कि आचार्य को अपने शिष्य पर शंका उत्पन्न हो गई। अब शंका का अर्थ है कि आचार्य को यह शक है कि जो प्रतिपत्ति होनी चाहिए वह प्रतिपत्ति इसके विवेक में उत्पन्न हो रही है या नहीं, यह आचार्य को भी शंका है। बोले महाराज ये शंका का कारण क्या है? बोले शंका का कारण शिष्य का प्रति उत्तर है। अब देखो
मूल प्रश्न पे आ जाइए। संभवतः आपने मनन किया होगा, दो बात आचार्य ने बोली, अध्यात्म परीक्षित ब्रह्म नहीं है। कुछ कट गया। अध्यात्म नहीं है, इसको भी बंद करो। अध्यात्म अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है और आदिदैव परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है। मेरे ख्याल से अब यह बात आपके मस्तिष्क में उतर गई होगी। जो बात धक्का देती है चित्त को वो थी, जब मैंने भी सुना था, मैंने पढ़ा, उपासना भी अध्यास है, उपासना भी अन्यस्मिन अन्य बुद्धि, यह भी अध्यास कोटि में। क्यों अध्यास है, क्यों शास्त्र ने इसको करने को कहा, ये सब बातें हमारी आपकी हो चुकी, उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है और आदिदैव परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है। अब ये समझिएगा, अध्यात्म परिच्छिन्न मतलब क्या हो गया, अहं ग्रहोपासना, और अधिदैव परिच्छिन्न क्या हो गया, देवता को ईश्वर समझकर उपासना करना। एक विशिष्ट शक्ति से युक्त व्यक्ति का नाम देवता है, और कोई उसी को ब्रह्म समझ ले, जैसे कि कोई वायु को ही समझ ले तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, कोई इंद्र को समझ ले तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। भाई जब आप पुराण पढ़ते हैं तो उसमें यही आता है, गणेश जी के लिए पढ़ेंगे तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, शिव जी के लिए पढ़ेंगे तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, इंद्र के लिए पढ़ेंगे तुम प्रत्यक्ष, तो वह भी ब्रह्म नहीं है। अब ये आपको इतने दिनों में कहा जा चुका, वो मनन करके खूब अच्छे से रखिए, वही इसकी जान है, ठीक है ना। अब मैं इसमें कोई प्रश्न रह गया, आप बोल रहे थे गोलानी जी एक दिन प्रश्न का दे दीजिए, पूछिए, आप ही तो बोल रहे थे। हाँ, इससे इससे संबंधित अन्यत्र प्रश्न। हाँ, रामकृष्ण को तो भगवान कहा गया, राम और कृष्ण को तो साक्षात ब्रह्म कहा गया। लेकिन यदि कोई ये समझता है, मैंने कल भागवत का श्लोक कोट किया था, अजह ब्रह्मेति, यदि राम और कृष्ण अलग अलग हैं तब तो देव हैं, बन गया। राम कृष्ण और शिव अलग अलग हैं तो देव हैं, अगर राम कृष्ण शिव एक हैं तो ब्रह्म है। मतलब का से तो फिर से नहीं पढ़ाया जा सकता, अब तो आप पढ़िए अपने आप से। इससे संबंधित हाँ, आप क्या प्रश्न, कोई प्रश्न? हाँ, सब एक। तो आप अज्ञानी हैं। हाँ, आप अज्ञानी हैं, इसीलिए तो उसका फल ऐसा आता है, जिसकी बुद्धि ऐसी है उसका फल भी तो ऐसे ही खंडित आएगा ना। जीवन मुक्त पुरुष कभी भी अलग करके नहीं करता, और राम के मंदिर में जाता है तो कृष्ण देख लेता है, कृष्ण के मंदिर में जाता है राम देख लेता है। सोच के देखो, आप आपके तीन पुत्र आ जाएं तो कोई भी पुत्र आ जाए, इसमें बुद्धि कौन सी होगी हमारी, पुत्र बुद्धि? वो तो आपके तादात में और आपके ज्ञान पर निर्भर है, लेकिन ऐसी बुद्धि कोई करता है तो हाँ,
वह अज्ञानी है और उसके मिलने वाला जो फल है वह भी आपने पढ़ ही लिया, कैसा होगा? हाँ, मतलब वह जीवत्व रहते हुए अपने आप को ब्रह्म समझता है, याद आ गया? जैसे कि पाषाण रहते हुए वह शिवलिंग है, कौन सी बुद्धि चली गई? पाषाण बुद्धि भी है, और मतलब इसमें कोई बुद्धि पहली वाली बुद्धि को निवर्त नहीं करती, हटाती नहीं है, दोनों बुद्धि है। इसी तरह से ये जो कुछ लोग शिवोहम बोलते हैं और अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या है? दोनों बुद्धि बनी है, दोनों बुद्धि बनी हुई है, जीव बुद्धि भी बनी है और ब्रह्म बुद्धि भी बनी है। तो जहां पाते हैं ब्रह्म बुद्धि बना देते हैं, जहां पाते हैं, लेकिन है तो ये ज्ञानी, इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया? अहम ग्रहो उपासना, जहां दोनों बुद्धि शीर्ष थी। एवं जब ऐसा कहा, तो पिछले प्रवचन में आ जाइएगा, इसकी जो आखिरी की लाइन थी बहुत महत्वपूर्ण थी। शनिवार को मैंने इस पे सिर्फ एक प्रकाश डाला था। जब ऐसा कहा तो आचार्य ने कहा, महाराज तुम तो वापस जाओ, तुम तो वापस जाओ। तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि शिष्य ने यह आग्रह नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, ये आग्रह इतनी, ये शिष्य का अनुशासन है। शिष्य ने पलट कर ये प्रश्न नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, ना ना ना, आचार्य ने सिर्फ इतना कहा, मीमांसम एव, जाओ मीमांसा करो, बस। उसको समझ में आ गया तो आपने देखा भाष्य में मीमांस्यम एव, मीमांस्यम का भाष्यकार ने अर्थ क्या किया? विचार्यम एव, जाओ और विचार करो। इसलिए मैंने आपसे बोला था विचार करने की सामर्थ्य एकांत में आती है, चित्त को भ्रमित करना और नकारात्मकता भी एकांत में ही आता है, व्यक्ति बीमार भी जो पड़ता है वो एकांत में ही पड़ता है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य। और उच्च विचारों का भी संग्रह किसमें होता है? एकांत में ही। इसलिए सबके लिए आचार्य यह कह भी नहीं सकता कि आप एकांत में जाओ, पक्की बात है, सबके लिए यह उपदेश नहीं कह सकते, सबके लिए एक जैसी साधना नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको एकांत में भेजा तो ये नाश कर लेगा, तो ये फिर रोते भी लगते आएगा, या तो इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन कोई कोई अधिकारी है, उसको आचार्य बोलता तुम तो एकांत में जाओ, क्या करो एकांत में जाके? विचार्यमेव, विचार करो। देखो भाष्यकार इसमें अंडरलाइन कर ली थी आपने, एवं आचार्य उक्तः, थोड़ा कम करें, एवं आचार्य उक्तः शिष्य एकांत उपविशत। वाह, देखो मिल गया भाई, ये अंडरलाइन कर ली होगी। जाने पर वो कहां गया? बोले वो एकांत में गया। इस पर शनिवार को मैं बोल रहा था इसी चीज पर, यह सबके लिए नहीं है, ये याद रखने की चीज है। आप अपनी धरातल देखें कि मैं एकांत में जाने के योग्य हूं कि एकांत में जाने के योग्य नहीं हूं, देखा देखी मत कीजिए। अच्छा, एकांत में जाने पर कौन सी किया, क्या चीज की उसने, क्या किया उसने एकांत में जाने पर? ना ना,
samahitah. क्या किया उसने? समाहितः. ओहो, आपने चित्त को क्या कर दिया? तो कह रहा था हितः मतलब रखना. और उस दिन मैं ये कहता हिंदी में अर्थ क्या बोलते हैं? निहितः, निश्शेषेण, निश्शेषेण प्रकारेण हितः. और यहां क्या बोल दिया? सम्यक प्रकारेण हितः. सम्यक प्रकारेण हितः मतलब क्या हो गया? देखो कितनी बड़ी साधना है. अब सिर्फ यही शब्द काफी है. कौन सा? समाहितः. मन को चारों ओर से हटाकर, ध्यान रखना ये कहां कर रहा है साधना? एकांत. ये देखो हमको हर चीज का इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए. ये बुद्धि जागृत होनी चाहिए साधना में. एक पता नहीं बड़ी अच्छी कल युवा केंद्र की बड़ी अच्छी बच्ची थी, छोटी सी, बारहवीं, बी फार्मा कर रही. पता नहीं कोई सीरियल आ रहा होगा. अच्छा, तो उसने एक प्रश्न ये पूछा कि आपने जीवन में अब तक क्या तीन सीख ली? तीन लेसन क्या सीखे अब तक? वो सबसे प्रश्न ही कर रही है. जीवन में अब तक तीन लेसन, चार लेसन आपने क्या सीखे? अच्छा, आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? उसको रटी रटाई बातें नहीं चाहिए कि हमको ईमानदारी से जीना चाहिए, हमको अनुशासन में रहना चाहिए, हमको पूजा करना चाहिए. तो भाग जाएगा यहां से, कहेगा ये तो रट की किताब से लाके बोल दिया. जीवन को जो जिया, उस जीवन में से आपने क्या चार चीजें निकाली? अच्छा, जरा अपने अपने मन से पूछिए और उसको उत्तर देना है. ये सब जब उनसे कहोगे तो भाग जाते हो. मेरे जो मुझसे जो पूछे, मैंने एक चीज ये कही, यू कैनॉट चेंज योर सर्कमस्टेंसेस. दिस इज फर्स्ट. अब हमको उसको टैकल करने का तरीका आना चाहिए. बोले मतलब, मान लो मैंने उसके लिए कहा नींद आ गई आज, तो मैं सोचता हूँ भगवान बहुत अच्छा किया आज नींद दे दी, जिससे स्वास्थ्य क्या हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया. अच्छा, नींद नहीं आई, भगवान आप ये चाहते थे कि थोड़ा आज पूजा पाठ ज्यादा कर लूं, तो आज मैंने, तो मैंने दोनों चीज को क्या कर लिया? चीज मिले, अब देखो दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, आपके सफलता मिले और असफलता मिले, दोनों ही प्रोग्रेसिव बन जाए. यू हैव टू डेवलप. ये मिलता नहीं है बना बना के, ये रेडीमेड कहीं नहीं मिलता. ये जो एक टेस्ट है, यह जो एक एक्सपीरियंस है, ये आपको खुद अपने आप जीवन में बुनना पड़ेगा. क्या बुनना पड़ेगा? मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति मुझे कुछ न कुछ क्या कर रही है? सिखा रही है. असफलता मिलती है तो भी सिखाया, और सफलता मिलती है तो भी सिखाया. अपमान मिला तो भी सीखा मैंने, और मान मिला तो भी मैंने सीखा. अब उसकी आंख चमक गई. हाँ, बोले ये बात तो कुछ हो सकती है कि मेरा जीवन बहुत पड़ा है. अगर मैं इसको इस दृष्टि से लूं कि मेरे जीवन में आने वाली हर चीज प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, दूसरा क्योंकि उनके कल फ्रेंडशिप डे भी था,
जो आनंद की कुंजी है वो कहीं नहीं है तुम्हारे सिवाय। जैसे पार्टी में जाने पर 5 घंटे तो अच्छा लगता है और उसके बाद फिर वही तुम्हारा घर, तुम्हारा बिस्तर और तुम्हारी नींद। तो कभी भी अपनी चीज से खिलवाड़ मत करो। बना ना, क्योंकि आना तुमको वहीं पड़ेगा और तुमने वहीं पे सब बिगाड़ के रखा है। मतलब आना तुमको अपने माँ बाप के पास पड़ेगा और तुमने उनसे क्या करके रखा है, बिगाड़। तो 5 घंटे की पार्टी करने से ये नहीं है कि जिंदगी भर तुमको वो खाना खिलाएंगे। आप भी देख लो, 1-2-3 दिन आपको कोई खिला सकता है और डेली किसी पे बोझ बन जाओ आप, तो धीरे से आपसे वो रास्ता काटना स्टार्ट। आपको देखेगा तो थोड़ा निकल जाएगा किनारे से, क्यों, और बोली आदमी मिल गया तो, ये बोल देगा तो। देखो अब वह उसकी शिष्टता है कि वो आपसे न बोले मुंह पर, लेकिन वो आदमी आपसे कन्नी जरूर काटेगा। क्यों काटी, क्योंकि आप अब जहां आप हैं वहां खुश नहीं है। जड़ पकड़ना है, जो व्यक्ति जहां है वो वहीं खुश रहने की कोशिश करे, वहीं आनंद को खोजे, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इष्ट मित्रों में खोजने की आवश्यकता नहीं है, कतई नहीं है। मैं तो मित्र शब्द मानता ही नहीं, मैं तो ये कह रहा था फालतू की चीजें हैं। आपकी बातें हो गई पूरी तो ठीक है, आज आप बात कर लेंगे, जिस दिन आप सनक गए उस दिन फिर सनक गए बोले तो सन की आत्मा ही। तो मतलब इसका मन चाहेगा तो ठीक है, उसका मन चाहे तो, ऐसे आदमी के साथ व्यवहार करना कितना मुश्किल है, सोच के देखो। और कहीं पार्टनर ऐसा मिल जाए किसी को, लाइफ कितनी जेल हो जाएगी, सोच के देखो आप जरा। कभी ऐसा अगर आपका पार्टनर होवे तो, छड़े रुष्ट छड़े तुष्ट, कब सनक जाए कुछ पता ही नहीं। ओहो, जहां है वहीं से खुश रहना सीखिए। अगर वहां खुश नहीं है तो जिंदगी में कहीं खुश नहीं रह सकते। मंदिर चले जाएं मस्जिद, भगवान चले जाएं चर्च, कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि आना कहां है, आना वहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं ऐसा ख्याल आता है, कभी कभी जाते समय व्यक्ति कई जैसे यात्रा पे जाता है, आप कहीं जाते हो तो आदमी कैसा सामान फेंक के जाता है, कभी आपने देखा है बिस्तर पे कमरे में। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, मूर्ख व्यक्ति, जब तुम लौट के आओगे तो ये तुम्हारा ही कमरा है, ये तुम्हारा ही कमरा है, और उस समय चित्त कितना दुखी होता है ये सब देख के। ये व्यक्ति कपड़ा इधर फेंक गया, बाल्टी इधर रख गया, उतारे हुए कपड़े उधर रख दिए। और जब आदमी तैयार होता है तो आप उसको देखो जरा, कभी किसी पार्टी में जाना हो तो शांति से बैठ के लीला देखो आप ये सब। यहीं पे वापस आना है, सोना यहीं है। वह चीज भी समझ रही है कि तुम मुझे कैसे यूज कर रहे हो। ये जीवन का दूसरा सूत्र है, कहीं नहीं है, जहां पे हो भगवान ने जो दिया है वहीं उसको अच्छा रखो, वहीं से खुशी मिलेगी। अब आपके लिए तो ये दो चीज काफी है भी इसमें। समाहित, बहुत सारे उनके लिए चार चीजें थी। समाहित, एकांत में बैठकर पहली साधना चारों ओर से चित्त को हटाना, यही ही नहीं, बहुत सावधानी से देखना, चारों ओर से चित्त को हटा लिया संभव है कि नींद आ जाए। गए, नींद भी कब आई, अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति थी निद्रा, चारों ओर से वृत्ति हटा ली इसीलिए तो नींद आई आपको।
चारों ओर से वृत्ति को हटाने के बाद अपने लक्ष्य वाली वृत्ति में अपने आप को नियोजित करना, ये है समाहिता। देखो एक शब्द है और कितना गहरा है। चारों ओर से बुद्धि को हटाकर अपने लक्ष्य में नियोजित करना। स्वामी जी ने कभी एक किताब में भी आपको उदाहरण दिया होगा, बहुत अच्छा उदाहरण था उनका, लेंस का। अब वहां तो उस पुस्तक में विषय दिया है कि उसका आनंद कोई जड़ का आनंद नहीं है। लेंस में जब कागज को जलाते हैं आप, तो वो एक जगह फोकस हो जाता है। कभी जलाया है आपने? साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर नहीं आता है, यही सब खिलवाड़ करते थे हम लोग, धूप में बैठकर लेंस को लेकर किसी किसी की चमड़ी भी जला देते तो वो कागज जल जाता है। क्यों जल गया कागज? अब समझ में आता है, चारों ओर से हटाकर किसी एक लक्ष्य में किया गया, हमारा जो जल गया। जब वो लेंस में हो सकता है तो मन के साथ नहीं हो सकता? सोच के देखो आप, तो मन के साथ नहीं हो सकता क्या? ये है समाहिता। चारों ओर से हटाकर मन को एक जगह लगाना। अच्छा, वो है कहां जहां लगाना है? वो जो ब्रह्म है वो कैसा था? वो जो ब्रह्म था शांतम, मिल रहा है, शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम, ये है। आपको चिंतन याद आ गया होगा, इसलिए मैं कह रहा था, एक तरफ एक भी बोलते हैं, दूसरी तरफ अद्वैत भी बोलते हैं, दोनों विरोधाभास हैं। एक का अर्थ मैंने क्या कहा था, एति, जो सब में गया हुआ है वह है एति। लेकिन सब में गया हुआ है तो दो में भी एक गया है, तीन में भी एक गया है, चार में भी एक गया है, दस में भी एक गया है, सब में एक गया है, इसलिए एति एकम। लेकिन एक कहने से दो की संभावना हो गई, इसलिए बोल दिया अद्वैतम। देखो जी, मिल गया। एकम शब्द का अर्थ क्या हो गया फिर? व्यापकम। इसीलिए एकम का अर्थ ही होता है व्याप्तम। एकम शब्द का अर्थ उस दिन भी मैं यही कह रहा था, एकम शब्द का अर्थ है व्याप्तम, हो गया। लेकिन अन्यत्र दूसरे का निषेध करने के लिए क्या बोल दिया? अद्वैतम, हो गया। अब देखो फिर से देखिए, एवं आचार्य उक्तः शिष्य एकांतः समाहितः यथोक्तम आचार्येण, जैसा आचार्य ने कहा था। वापस भेज दिया ना इसको, तो अब वो कहता है, देखो आचार्य ने कहा था मतलब क्या? उसने अपने श्रवण को याद किया। क्या याद किया? आगमः, आगम वाक्य। बार बार मैं कह रहा हूं, आगम वाक्य क्या होगा? यद विदितादधो अविदितादधि, ये आगम वाक्य। इस इसीलिए कह रहा है, इसको ही उसने पकड़ा है बस। तद विदितादधो अविदितादधि आगमः विचार्य। अब देखो, श्रवण करने के बाद विचार करने की सामर्थ्य आती है। जिस व्यक्ति ने श्रवण ही न किया हो, वो विचार करके देख ले, अच्छा वो विचार करके देखे जरा, क्या विचार करेगा और क्या मनन करेगा।
इसलिए सबसे पहली जो साधना है वो क्या है, वो श्रवण। हमारे आचार्य तो इस बात को बार बार कहते रहे और अभी तक भी, साधक सिर्फ 90 से 95% श्रवण करे, आगे का कार्य वह श्रवण ही करा लेगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको उसके लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना दम है किसमें, श्रवण में। मतलब स्वामी जी का तो स्पष्ट कहना था, अज्ञान की जो ग्रंथि है वो श्रवण में ही खुल जाती है, और जिसकी अज्ञान में नहीं खुली आप गांठ बांध लो कि उसकी गठान कभी नहीं खुलेगी। ले कितना बड़ा वाक्य है, जिसकी गठान श्रवण में नहीं खुली उसकी गठान मनन और निधिध्यासन में जिंदगी में नहीं खुल सकती। ओहो, अज्ञान का जो भंग है वो किसमें है, वो श्रवण में ही। इसलिए वह आचार्य के सुनाए गए वाक्यों को, कौन से वाक्य को, आगम वाक्य को क्या करता है, पकड़ता है, और आगम के वाक्यों को विचार्य, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बड़े 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 शब्द हैं, और विचार करने के बाद तर्क भी करता है। अब एक एक शब्द बड़ा मांग करता है आपसे, बताऊं, तर्क करने का तरीका आना चाहिए, कुछ भी अपने मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। जब कोई चीज तर्क की जाती है तो पहला मांगा जाता है प्रतिज्ञा कीजिए, हेतु बताइए और दृष्टांत बताइए। कहां की बात कहां लेके व्यक्ति चला जाता है, भाव में बह जाता है ऐसा कि जो वो कहना चाहता है वो बोल ही नहीं पाता है, वो तो भूल गया। तब तक नहीं, इतनी बात बोलने से जो पहले वाली बात थी वो क्या हो गया, बोले मैं क्या बताने वाला तो भूल गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि आप बह गए कहीं और, तो जो प्रतिपादन था वो तो भूल गया। इसलिए जो अच्छे आचार्य तो बोलते हैं प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत, फिर उपनयन करो, उपनयन और फिर उसका क्या कर दो, निगमन, क्या कहां पे पहुंचे। ये 5 प्रक्रियाएं हैं तर्क में। अब देखो, तर्कोनुसंधीयताम, लेकिन दुस्तर्कात्, लेकिन दुस्तर्क से कुतर्क से दूर रहो। कई लोग एकदम झक्की हो जाते हैं, तर्क के पीछे ही पागल हैं वो, फिर तो बोलते हैं तर्कस्य अप्रतिष्ठा, तर्क से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, ज्ञान के लिए बैठाने के लिए तर्क की आवश्यकता है। तर्क नहीं होगा तो आपके मन में विचलन नहीं होगा। अगर तर्क की बात समझ में आ गई तो मन में कभी विचलन नहीं होता। तो देखो कैसा करता है, देखो अभी एकांत में गया है, क्या क्या कर रहा है, ये गया, फिर क्या किया, बोले एकांते, फिर क्या किया, विचार जिता, विचार किया, फिर क्या किया, समाहित, चारों ओर से मन को हटाकर अपने लक्ष्य में नियोजित किया। जैसे उसने लक्ष्य को रखा, उसने आचार्य के द्वारा सुनाए गए उपदेश को तुरंत याद किया। ओहो, सुनाया गया उपदेश पर फिर क्या किया, उसने विचार किया, विचार के बाद क्या किया, उसने तर्क किया, और तर्क के बाद निर्धार्य, निर्धारित भी किया। मिल गया, निर्धारित भी किया, और निर्धारित करने के बाद स्वानुभवम कृत्वा, उसने सिर्फ उसको बुद्धि का सत्य नहीं बनाया। देखो जी,
बुद्धि का सत्य नहीं बनाया, उसने उसको क्या किया, स्वानुभवम कृत्वा। अब ये बड़ा बहुत बड़ा प्रकरण है। कई बार व्यक्ति का अनुभव कुछ और होता है और सत्य कुछ और होता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इसको। सत्य कुछ और है और अनुभव कुछ और होता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इस बात को अनुभूत किया। तो ये सुन लीजिए, वेदांत कभी भी अनुभव को प्रमाण नहीं मानता। वेदांत कभी भी अनुभव को प्रमाण नहीं मानता। तो मैं आपसे और क्या बताऊं, कई बार तो कितने बड़े बढ़िया अनुभव होते हैं स्वप्न में, लेकिन वो सब क्या सच होते हैं? वो सब क्या सच होते हैं? कल हम स्वप्न में मिल रहे थे उनसे, सुन सुन के प्रवचन, करपात्री जी से। अभी आपको सुनाते हैं करपात्री जी का। हमने सुना रात में तो इतना आनंद आ गया कि क्या बताएं। मैंने बताया ना कि वो कैसे पुरुष थे, ज्यादा पता नहीं था, वो जगत गुरु से ही स्वामी निश्चलानंद जी से पता लगा। 2.5 घंटे शीर्षासन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ, 1:30 बजे तक ही सोना, भले 12 बजे सोएं या 1 बजे। मैं कल शायद कब कह रहा था आपको, ये 3 अगस्त को ही कह रहा था ना ये सब बातें उनकी। देखो ये है, लिंक भेजा ना सर, भेजिए सबको, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है वो। ये पता नहीं आपको हमने कौन सा लिंक भेजा भी, उसमें एक बालक ने पूछा है कि हम करपात्री जी के जैसे कैसे बने, ऐसा है, है? वो छोटा है, वो एक और 1 घंटे, वो जो भेजा है वो कितनी देर की क्लिप है? हाँ, मैं वो दूसरी एक क्लिप है, वो 1 घंटे की है, 40-45 मिनट से ज्यादा है 1 घंटे की, वो सुनिएगा। करपात्री कैसे क्या क्या हुआ देश में, मृत्यु के समय पहले से ही कैसे बैठना चाहिए, उन्होंने उनको भी बता दिया कि आए तो ऐसे बैठना, पकड़ के ले गए बोले ऐसे बैठो। क्या दिव्य जीवन था, उसे सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, अब मैं स्वप्न में ये अनुभव कर रहा हूं कि मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, किसी दिन अपने स्वामी जी से शास्त्रार्थ कर रहा हूं, तो कर तो रहा हूं, खूब उलट पलट मच रही बिस्तर पर, बोलना भी चालू कर देता हूं, लेकिन अनुभव क्या हुआ, जब उठने पे आए तो पता क्या लगा, तुम वही के वही हो, ये सब सोच रहे थे मनगढ़ंत अपने मन में, क्यों जैसा सोच रहे थे वैसा अनुभव आया। बनता है ना, देखो एक झलकियां दिखाता हूं आपको, ये न्याय दर्शन ने तो यह कह दिया, देखो उनका अनुभव है कि आत्मा जड़ है, ये उनका अनुभव है। कैसे उनके अनुभव को आप निकाल दोगे? उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मन के संयोग मिलने पर चेतना पैदा होती है, मन के वियोग होने पर आत्मा जड़ हो जाती है। अभी मन का संयोग है इसलिए हम लोगों में क्या है, चेतनता है। अभी सुषुप्ति में मन का वियोग हो गया तो आत्मा कैसी हो गई? तो बोले अब बताओ, इसको काट लो बोले अगर तुम्हारी हिम्मत हो। ये उनका अनुभव है, और कौन इस अनुभव को नकार सकता है? मीमांसक में 2 विभाग हो गए, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। एक ने माना कि आत्मा कर्तृत्व और भोक्तृत्व से जुड़ी है, दूसरे का मत है कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व एकदम नहीं है, आत्मा तो जड़ है। ले, आत्मा तो जड़ है, ये कौन है? कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, ये मीमांसक दर्शन है।
सांख्य दर्शन पुरुष को अनेक मानता है, ये इनके विचार, ये इनकी निष्पत्तियां हैं। देखो इतनी जल्दी किसी बात को मान लेना भी अच्छी बात नहीं, सोच के देखो आप। इसलिए भाष्यकार कहते हैं आगम के विचार को सुनो, सुन के मनन करो, मनन के विचार करो, तर्क करो और फिर अपने अनुभव को देखो। सिर्फ तुम्हारा अनुभव प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो कहता है वह सच है, तुम्हारा अनुभव तो तुम कुछ तो भी देख लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम तो कुछ भी देख लोगे, तुम्हारा तो जो सोचते हो वही तुम सपने में देखते हो, वही तुमको दिखाई देता है। अभी देखो आप, अगर किसी की हम मृत्यु हो जावे तो उसको पूरी दुनिया ही कैसे दिखाई देती है, दुखमयी दिखाई देती है। आपके यहां कोई खुशी का त्योहार होवे, शादी ब्याह होवे, तो हर जगह ऐसी खिलखिलाहट दिखती है। ले एक जगह उसको वो दिख रहा है, एक जगह उसको वो दिख रहा है। रोगी का अगर खराब हो जाए, जैसे उसकी जीभ खराब हो जाती है ना बुखार में, तो उसको कुछ भी खिलाओ उसको क्या लगता है, लो नहीं तो अनुभव है उसका। इसलिए तुम्हारा अनुभव प्रमाण नहीं है, तुम्हारा अनुभव मोतियाबिंद वाले को दो दिखते हैं, उसका अनुभव ये है ना, तुम्हारा अनुभव प्रमाण नहीं माना जाएगा। जो शास्त्र ने कहा है वह प्रमाण, याद रखना है आपको। जीवन में सदैव ये गांठ बांध लीजिए, प्रमाण के नाम पर सिर्फ शास्त्र ही प्रमाण है। और गीता का वो श्लोक याद करके रखिए, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका प्रमाण कौन है, और क्या बोले हैं? स्वाध्याय करने पर यह बात तो और पुष्ट होती जा रही है, हम तो स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं कि ये महाभारत सुनने, हम तो भीष्म पितामह को बड़ा कम मानते थे, हमको लगता था विष्णु सहस्र नाम बोल दिया होगा बस। लेकिन अभी सुनने पर एक बात समझ में आती है, ब्रह्म विद्या तो पूरी की पूरी, राज्य विद्या तो विद्या, अर्थ विद्या तो टैक्स के बारे में, आर्मी के बारे में, डिफेंस के बारे में तो डिफेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में तो इकोनॉमी डिस्कस होती है, डिप्लोमेसी कूटनीति के बारे में तो कूटनीति के सिद्धांत हैं, पशु के बारे में तो पशु, और यहां तक कि चोर के भी, कल में परसों सुना था जो अपने लोग, डाकुओं के भी सिद्धांत हैं। अब ऐसा लगता है जीवन का कैसा, कौन सा पक्ष है जो भीष्म पितामह ने, अभी तो मेरे मन में आता है कभी मैं फंसू तो मैं वही पढ़ूं, क्या पढ़ूं, भीष्म पितामह ने क्या कहा, एक राजा को कैसे चलना चाहिए, एक अर्थव्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, सामान्य व्यवहार कैसा करना चाहिए, टैक्स कैसा सुलना चाहिए, संबंध कैसे जीना चाहिए, कौन सी चीज नहीं बताइए। मतलब आप तो ये खोजो कि क्या नहीं है वो बताओ, अब ये मत बताओ कि क्या है, ये भी अब खोजने में मन हमारा कर रहा है कि कौन सी चीज उसमें नहीं बताई गई। अरे चोर डाकू तक की तो बात बता दी गई। कल भी देखो एक अच्छा वाक्य निकला, कृतघ्न वो तो मित्र द्रोह के बारे में बताया ना, कि मित्र से यदि कोई द्रोह करता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है लेकिन मित्र द्रोह का कोई प्रायश्चित नहीं है, कितनी बड़ी बात बता दी कल। और उसके बाद भी था एक संकल्पित, वो जो हम लोग गलती करते हैं, क्या था वो, अगर कभी भी आपने कोई चीज संकल्प से किया है तो उसका जो द्रव्य है वह ब्राह्मण के अलावा कहीं गया तो गया काम से। देखो कितनी अच्छी चीज है,
संकल्प की चीजें उस ब्राह्मण के जो भले ही जाति का हो, ध्यान रखना, भले ही वो कुकर्मी हो गए, कल भी आया वो तो इतना कुकर्मी था वो ब्राह्मण महाराज, वो तो मतलब दोष को ही मार डाला उसने, और जाति वो भी था क्या बोलते हैं शूद्र की स्त्री से विवाह कर लिया और मांसाहारी भोजन करता था, ये ब्राह्मण था, सोचो आप, और उसकी दुर्गति भी बताई। इसके बावजूद कहा गया कि आप तो अपना संकल्प कभी को जो धन द्रव्य जो भी कुछ होता है जो हम लोग ये समाज में देते हैं ना, ये गलत है। उसको वो क्या कह रहे हैं, उसको दया कहते हैं, मर्सी कहते हैं, जो हम लोग करने जाते हैं वो दया की परिणति में आएगा, वो दान की परिणति में नहीं आएगा। देखो कभी सोचना आप, दान और दया में अंतर है कि नहीं है? सहायता बन गया, बहुत अंतर है दोनों। तो मैं तो यहां पे ये इतना कहना चाहता हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि जब कंफ्यूज हो जाएं तो शास्त्रों को क्या करें, पलटे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर वहां पर मिल जाएगा। मतलब विवाह संबंधी क्लिष्टताएं, जाति जो वर्ण संकर है वो भी सब बता दिया है, ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को यही जवाब तो चाहिए ना, वो सब शास्त्र में लिखा गया है। अब बट वो शर्त अलग है कि हम पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाता तो अलग बात है। अनुभूति प्रमाण नहीं है, प्रमाण क्या है, शास्त्र है। लेकिन तब भी भाष्यकार कहते हैं जाओ विचार करो, श्रवण करो, मनन करो, निर्धार्य निर्धारित करो, और जो निर्धारित किया हुआ सत्य है वह तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए, स्वानुभवम कृत्वा। और ऐसा कहकर, ऐसा करने में उसको न जाने कितने साल बीत गए होंगे, ये मत समझना ये किताब में तो दूसरे ही मंत्र में आ गया वो, ऐसे में बड़ा अंतराल बीता होगा। और जब ऐसा करके आता है तो दोबारा आता है, कहां आता है, सकाश्रम उपगम्य उवाच, और आचार्य से कहता है मन्ये विदितम, मैंने जान लिया। ए आचार्य ने दिखा घुमाई, क्या बोलता है ये, बोलता आचार्य मैंने जान लिया, किसको, ब्रह्म को मैंने जान लिया, जो आपने पूछा था वो मैंने। तो अब उस आचार्य के पूछने पर शिष्य ने क्या उत्तर दिया, इस वाक्य को बोलते हैं, इस वाक्य को क्या बोलेंगे, शिष्य ने जो अनुभव किया अनुभूत वाक्य, अनुभूत वाक्य मतलब शिष्य ने क्या अनुभूत किया, ये शिष्य की अनुभूति है। जरा देखिए क्या बोलता है, अब जिन्होंने पहला अच्छे से पढ़ा है उनको दूसरा खुल जाएगा, अब वो सब तो मैं दोबारा नहीं करूंगा अब यहां, लेकिन बस उसका अर्थ समझ लीजिए जल्दी से। पहले क्या बोला था भाई, पूरा बोलिए ना, अहम मन्य सुए देती, आप क्या बोलता है, ना हम मन्य सुए देती। आचार्य बड़े खुश हो गए, वाह, अब स्पष्ट कहता है न अहम मन्ने सुए, मैंने उस ब्रह्म को अच्छी तरह से नहीं जाना।
नो न वेदेति वेद च, और मैं जब आचार्य ने बोला नहीं जानते उसको अच्छी तरीके से तो क्यों आ गया, जान लिया अच्छा चलो अच्छी तरीके से नहीं जाना, अच्छा जान लिया अच्छी तरीके से नहीं जाना, जान लिया बोलते नहीं जाना, नो न वेदेति वेद च, मैंने उसको नहीं जाना, तो फिर तुमने फिर क्या करने आ गए यहां, फिर यहां क्या करने आ गए। योनस तद्वेद तद्वेद, जो आपने कहा, मिल रहा है आपको, हिंदी पढ़ लीजिए आपको तो समझ में आए, ये हिंदी कठिन लगे तो मैं बोल दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जानता हूं, और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। देखो जरा शिष्य का उत्तर, भाई आचार्य ने बोला कि तुम ब्रह्म को नहीं जानते, इसका मतलब वापस जाओ, बोला ना ना ना, ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। देखो ये है शिष्य, जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। हम लोगों में से कोई भी मेरी इस उक्ति को जो समझता है, मतलब मैं जानता भी हूं और मैं, जो इसको समझता है वो ब्रह्म को क्या करता है, समझता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। देख लो ये दूसरा मंत्र देखो कैसा शिष्य भी आचार्य को घुमा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं जानता ये भी सच है, और आपने जो पहले पूछा एक सुवे देती तो मैं उसको अच्छी तरह से नहीं जानता। देखो इसमें देखो, अब यहां एक पंक्ति थी बड़ी अच्छी थी, ये यहां से कहीं मिल जाएगा, अच्छा आपको इसमें दिखा, एवं आचार्येण विचल्यमानो, ये ये मेरी अंडरलाइन यही लगी है, एक दो तीन चार पांच छह सातवीं पंक्ति है, पेज नंबर 58 पर मिला, इति आचार्य, मिल गया, सबको मिल गया। विचाल्यमानो एवं आचार्येण विचाल्यमानो, इसके ऊपर वाली लाइन देखिएगा जो हमने बोली, मिल गया, जो मैंने कहा अंडरलाइन, इसके ऊपर वाली जरा देखिए, एवं आचार्येण विचाल्यमानो अपि शिष्य न विचचाल, ओहो आचार्य ने उसको फिर से विचलित करने की कोशिश की, पहले भी आचार्य ने उसको विचलित किया था और आचार्य को विचलित करने का हाँ अधिकार भी है, गुरुणा न विचाल्यते यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचाल्यते, गीता आ गई देखो वहां पे भी आया है, आचार्य ने फिर से इस बार शिष्य को विचलित किया, जानबूझ के विचलित किया। देखो ये आज ये भी अध्ययन की एक रीति है, ये भी अध्ययन की एक रीति पुरानी पद्धति, आचार्य आपको ऐसा बोलेगा कि आपका कलेजा फट जाएगा और उस समय आपके जो उद्गार निकलेंगे उसको समझ में आ जाता है यही इसके अंदर क्या हुआ है, भरा हुआ है, बस बस मामला निकल आया, इसको बोलते ना मवाद निकल जाना, मवाद निकलने में दर्द तो होता ही है, बस उसको दबाया दबाया और वो निकला निकला, बस यही है गंदगी, समझ में आ गया, इसी के कारण बुखार था इसको।
फिर से आचार्य ने विचलित किया। एवं आचार्येण विचाल्यमान अपि अवशिष्य औरते न विचचाल, हो गया मैच्योर नहीं हुआ। अन्यद एव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात्। वाह, देखो महाराज वो गरजता है, कहां लिखा है, यहां आया होगा गरजना शब्द, आया है गरजना, है ना, ये जगर्ज, ओहो गरजता है, मतलब गरजता मतलब गुरु से ऐसा नहीं गरज रहा है, उसकी वाणी में गजब का विश्वास दिखता है। कहां से आया ये विश्वास, बोलता है ये संप्रदाय का विश्वास है। संप्रदाय, या उस दिन पढ़ा रहा था मैं आपको संप्रदाय, और आगम संप्रदाय, उसने आचार्य परंपरा से इस आगम वाक्य को सुना है और उसके मन में इतना आत्मविश्वास है। तद्विदितादथो अविदितादधि, अन्यत एव तद्विदितादथो अविदितादधि इति आचार्य उक्तम आगम संप्रदाय बलात्। आचार्य आगम के संप्रदाय के बल से, यही नहीं उपपत्ति अनुभव बलाच्च, और अब उसने क्या कर दिया, उपपत्ति और अनुभव, और उसने अनुभव भी वैसा ही किया जैसा शास्त्र ने कहा था। जगर्च च ब्रह्म विद्याम, और गरजता है मतलब ब्रह्म विद्याम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन्त आत्मनः। अब उसकी वाणी में महाराज गजब का आत्मविश्वास दिखता है। ये आत्मविश्वास कहां से आया, बोलते ये परंपरा का विश्वास है, ये परंपरा का आत्मविश्वास उसके पास में आ गया। अब वह गुरु से गरजता है और बात करता है, मैंने उसको जान दिया महाराज, अब आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। कल लिखाएंगे आगे आपको, ये बताइए कि कौन सा अध्याय चल रहा था, छठा अध्याय खोलिए, मधुरा रह जाए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अभी जब योगी नहीं होता तो